हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी फ्रेंड अच्छे होंगे। तो मैं आज हूँ अपने दीदी के घर पे। तो दीदी के घर में आज थोड़ा छोटा सा पूजा है, तो मैंने ऐसे थोड़ा शूट कर लिया आप लोगों के लिए। तो देखिए वीडियो को आगे फ्रेंड्स। मतलब हम लोग दीदी का मतलब छोटा वाला बेटी के लिए रखा हुआ है ये पूजा। ये असमीस का बहुत बड़ा नियम होता है। मतलब मेरे मतलब जो फ्रेंड्स मेरा असमीस फ्रेंड्स जो मेरा सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं तो उनको मालूम चल जाएगा, तो दूसरा फ्रेंड्स लोगों को तो नहीं मालूम। तो मैं इसी वजह से वीडियो बनाया। मैंने सिंपल तरीके से मतलब पूजा किया है आज, छोटा सा पूजा किया। मतलब जब लड़कियों का मतलब फर्स्ट बार पीरियड्स होता है, मतलब मेंस होता है, तो फर्स्ट टाइम मतलब ये पूजा करते हैं। चार दिन मतलब छुपा कर रख के ये नियम करते हैं मतलब लड़की बेटी को। तो फर्स्ट टाइम वाला पीरियड्स का ये पूजा है। मतलब बिना खाए पिए चार दिन रखते हैं, फिर इसको छोटा सा नियम करके मतलब पूजा करके इसको ख़त्म करते हैं मतलब नियम को। तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स, तो गलत मत समझिएगा। तो देखते रहिए वीडियो को आगे। तो मेरा दीदी मतलब सिंपल, हम लोग का दीदी लोग मतलब सिंपल तरीके से रहते हैं। मतलब इतना अमीर भी नहीं है, इतना गरीब भी नहीं है, इसी तरह से है मतलब। तो दीदी मतलब ऐसे, ये मेरा दीदी है, तो मतलब सिंपल तरीके से खाना बना रहे घर वालों के लिए। मतलब ज़्यादा लोग नहीं बुलाए हैं इस पूजा में। मतलब सिर्फ औरत लोग का ही होता है ये पूजा, औरत लोग के लिए ही होता है ये पूजा। मतलब तो हम लोग का मतलब जो जो आए हैं आस पड़ोसी का दो तीन लोग, मतलब दो तीन औरत ऐसे सिंपल तरीके से मतलब खाना बना रहे हैं। निरामिष खाना है तो आज मतलब नॉनवेज नहीं खाएँगे। तो मैंने ऐसे नियम शेयर किया आप लोगों के साथ, तो गलत मत समझिएगा। तो हम लोग का दीदी लोग मतलब इतना अमीर भी नहीं है। तो देखते रहिए फ्रेंड्स वीडियो को आगे। तो फ्रेंड्स मतलब ये वाला नियम मतलब अमीर हो या गरीब हो, असम में मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये नियम। तो फर्स्ट टाइम पीरियड्स होने से मतलब लड़कियों के लिए होता है ये नियम। बहुत मतलब ग्रह शांति होता है और ग्रह पूजा भी होता है इसमें, मतलब लड़कियों के लिए बेटियों के लिए। तो अमीर हो या गरीब हो सभी लोग करते हैं। तो हमारा दीदी का मतलब सामने बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, कंपनी है, मतलब अच्छा लगता है देख के। हम लोग का वहाँ पे तो मतलब गांव है, लेकिन दीदी लोग का यहाँ पे मतलब फैक्ट्री बड़ा बड़ा है, अच्छा लगता है। मतलब मुझे अच्छा लगता है सब देख के। तो सामने मतलब पेप्सी कंपनी तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत बड़ा होता है पेप्सी कंपनी, बहुत बड़ा है। मतलब इंडिया का सबसे सेकेंड नंबर वाला पेप्सी कंपनी है हमारे यहाँ का। वो देखिए, वो मैंने जूम करके दिखाया, वो है सामने ही है। ये बहुत बड़ा मतलब कंपनी है पेप्सी का, तो अच्छा लगता है मतलब ये से। मैंने ऐसे दिखा दिया आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स वीडियो को आगे, क्या क्या नियम होता है दिखाऊंगी मैं आप लोगों से, शेयर करूंगी। तो देखते रहिए, यहाँ पे खाना रेडी हो रहा है। मतलब आज नॉनवेज वगैरह नहीं बनाएंगे, इससे भी एक बड़ा पूजा होगा, मतलब वो लक्ष्मी पूजा का बात करेंगे ये नियम। तो इसी मतलब बेटी का ही ये नियम भी है, इसको आज मतलब ऐसे रखा हुआ छोटा करके करके। तो बड़ा जब करेंगे मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों के साथ, शेयर करूंगी। तो देखिए वीडियो को आगे। Woo!
रास्ते में फ्रेंड्स, मेरा दीदी का जो बेटी है वो मतलब अभी क्लास 7 में पढ़ रहा है, मतलब 12 साल की हुई है। मतलब फर्स्ट पीरियड में ये नियम करना बहुत ज़रूरी होता है असम इसका नियम में, तो मैंने ऐसे शूट कर लिया आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, जब ज़्यादा गलत मत समझिएगा, हम लोग का नियम ही ऐसा है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया थोड़ा सा। तो देखने में बहुत बड़ी है, मतलब बहुत मोटी है, लेकिन मतलब ज़्यादा उम्र नहीं हुआ, बहुत छोटी है, मतलब 12 साल का लड़की है। तो मतलब आस पड़ोस के मतलब औरत लोग आए हैं, ये औरत का ही फंक्शन होता है मतलब हमारे यहाँ पे नियम में। तो ऐसे नियम मैंने ऐसे थोड़ा सा शेयर कर लिया आप लोगों के साथ, तो देखते रहिए वीडियो को आगे। फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि पूजा में बेटी को मतलब सास सिंगार करते हैं, मतलब जो जो गहना वगैरह रिश्तेदार देते हैं, घर वाले देते हैं, वो सब पहनाते हैं। मतलब आज का नियम में असल इसका नियम ही ऐसा होता है कि करना ही पड़ता है ये नियम। मतलब सिंपल तरीके से ही किया है हम लोग ने। मैं मतलब बैठी थी ऊपर, मतलब वहाँ ग्रिल का अंदर बरंडा में, तो मैं मतलब वीडियो कर रही थी, तो मैं खुद को नहीं दिखा पाया आज। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, जहाँ जब मतलब बड़ा करके बनाएगी। ये तो आज छोटा नियम किया है, तो इससे भी बड़ा एक नियम होता है, मतलब शादी जैसा ही होता है, वो बहुत बड़ा होता है, ये बेटी का ही होता है नियम। तो बहुत ज़्यादा मतलब रिश्तेदार लोग को बुलाते हैं आज, मतलब आस पड़ोसी के साथ ये नियम पूरा कर लिया। तो मैं दिखाऊँगी ज़रूर आप लोगों के साथ, शेयर करूँगी वीडियो को। तो मत समझिएगा कि बेटी बहुत बड़ी है, मतलब छोटी है, देखने में बहुत बड़ी है, 12 साल की, क्लास 7 में पढ़ रही है। तो मैंने ऐसे दिखा दिया आप लोगों से, शेयर किया हमारा असम का नियम। तो देखिए
Bye, Shu.